पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव इन 24 में 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास परम पूज्य स्वामी राधेश्याम जी के द्वारा शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिन राधेश्याम व्यास जी के द्वारा सर्वप्रथम सभी भक्तों को कथा का महत्व बताया गया और मुक्ति का मार्ग दर्शाया गया। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान प्रदीप शुक्ला सहपत्नी रहे। कथा व्यास राधेश्याम जी ने कथा का बखान करते हुए कहा कि भगवान शिव ही इतने भोले हैं जो भक्त की भक्ति से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की यदि कोई सच्चे मन से भक्ति करे तो उसे सबसे जल्दी फल प्राप्त हो जाता है, इसीलिए सभी को भगवान की तपस्या में लीन हो जाना चाहिए। इस अवसर पर कथा के अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। जिसने अपन शिवपुराण की कथा में एक बार लग जाए, शिव ने एक बार शिवपुराण की कथा को सुन ले, उसे फिर कोई भी कथा सुनने को भूलना, सारी कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। जैसे कोई सारे देवता की पूजा तो करे है ना, पर शिव की पूजा ना करे तो बिना शिव के राम जी कभी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि शिव द्रोही मलदास कहावा, सो नर सपने हूं मोही नहीं पावा। बात समझ में आ गई, आगे चलो। परती हो नहीं प्रीति, अरे प्रीति बिना सो नहीं दृढ़ाई, जीवी खगेश जल की। रामचरितमानस में काक भूषण जी गरुड़ से कहते, जाने बिनुन होए परती, बिना जाने पहचाने परिचय के बिना हो परती की मानी विश्वास, परती की मानी विश्वास, और बिनु परती की कोई नहीं प्रीति, प्रीति मानी प्रेम है, और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर।